नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में पिछले दिनों शराब ठेकेदारों में हुए गैंगवार में सिंडिकेट के ऑफिस में शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर पर गोलियां चलाने वाले मुख्य शूटर रितेश करोसिया और चिराग ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के कई टीमें शहर से बाहर आरोपियों की तलाश कर रही है। शराब सिंडिकेट गोलीकांड के बाद पुलिस वहां लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर जब्त किया था। पुलिस ने घटनाक्रम के कई बार वीडियो फुटेज देखे तो उसमें रितेश करोसिया अर्जुन पर गोली चलाते हुए साफ नजर आया। पुलिस उसके सहित अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही, जिसके लिए कई टीमें जुटी थी। इसी बीच सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि रितेश शिप्रा पुल के पास से गुजरने वाला है। इस पर पुलिस ने नजर रखी तो वहां एक ट्रक में देखा, उसकी घेराबंदी की तो वो तेज रफ्तार ट्रक से कूदा और उसके हाथ पैर में चोट आई है। इसके बावजूद उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। ऐसे में आरोपी चिराग ठाकुर के बारे में पुलिस को सूचना मिली कि वो रतलाम में फरारी काट रहा है। इस पर टीम वहां भेजी गई और उसे योजनाबद्ध तरीके से पकड़ लिया गया। आरोपी ने घटना के बाद राजस्थान के कई जिलों में फरारी काटी और उज्जैन भी गया, वहां से रतलाम आया तो पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। आरोपी चिराग ठाकुर तो कुछ साल पहले हुई एक हत्या के मामले में भी आरोपी रहा है। पुलिस अब मुख्य रूप से फरार हेमू ठाकुर की तलाश कर रही है। घटना के दौरान वो भी भाई चिंटू ठाकुर के साथ था। ऐसे ही एके सिंह और पिंटू भाटिया भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। हेमू के मामले में पुलिस को कुछ सूत्र मिले हैं जिनके आधार पर उसकी घेराबंदी की जा रही है। इसमें जैसा कि हमने बताया कि ये जो केस है, केस की विवेचना कई दिशाओं में चलती है। पहला जो काम था वो ये काम था कि मौके पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था और उसमें पूरी घटना शुरू से लेकर के लास्ट तक की उसमें कैद थी। और उसमें जो प्रथम दृष्टया जो लोग बाहर से आए और उन्होंने पिस्टल निकाली और आक्रामक मुद्रा में अर्जुन ठाकुर की तरफ लपके, उन सब की पहचान की गई और पहचान करके उनको स्पष्ट रूप से मुलजिम इसमें बना दिया गया है। और उन सबको राउंडअप ऑलमोस्ट उसमें राउंडअप हो भी गए हैं। एक दो लोग बचे हैं जो कि एक दो दिन के अंदर में राउंडअप हो जाएंगे। दूसरा स्टेज आता है कि जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उनकी भूमिका की जाँच करना, तो उनकी भूमिका की भी जाँच, इसमें उनके आपराधिक षड्यंत्र में वो शामिल थे या नहीं थे, इसके संबंध में साक्ष्यों का आकलन किया जा रहा है। डिफरेंट उसमें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उन सब की का अध्ययन किया जा रहा है। और इसके बाद जो लोगों की इसमें गिल्टी पाए जाएंगे, जिनके खिलाफ स्पष्ट साक्ष्य मिलेंगे, वो इसमें आरोपी बनेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।